अमृतसर हलका जंडियाला गुरु में विधायक सुखविंदर सिंह डैनी ने ट्रैफिक की समस्या संबंधित जानकारी मीडिया से साझा करते हुए बताया कि ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए जंडियाला बाईपास का हमारा 4 करोड़ का प्रोजेक्ट जल्द ही लाया जाएगा और ट्रैफिक की समस्या को जल्द ही खत्म किया जाएगा। इस मौके उनका और क्या कुछ कहना रहा, आइए आप भी सुनिए। किसी के लिए हादसा हो सकता है बहुत ज्यादा। अच्छा जी, चार चौरस्ता है, चौरस्ता सारी गड्डियां आगे इधरों सारे ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाता। अच्छा जी, वड्डी वड्डी गड्डियां भी रुक जाती है। की चाहते थे प्रशासन को की मांग करते? पुलिस का प्रबंध होना चाहिए। पुलिस इतने लगी नहीं चाहोगे जी? नहीं नहीं जी। अच्छा जी, एक दूजी गड्डी से ठोक खा के चले जाने, मार मुंह से चले जाने, झगड़ा भी होता जी, झगड़ा भी होता, लड़ाई भी होती, सब कुछ होता। अच्छा जी, थैंक यू। की कहना चाहते जी? हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी, सारी वड्डियां गड्डियां आनी जाम लग जाते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, ये नालों की चंगा उठते तो पुल चढ़ जाए, वधिया सौखा काम हो जाए, पतला हो जाए, थले उठती है वड्डिया गड्डिया उत्ते जाना तो सीधा शेखपुर तक पुल बने, सराह तो ला के शेखपुर तक पुल बन जाए, वड्डिया हाँ जी सीधा बाईपास पुल चढ़ जाए तो वधिया सिस्टम बन जाए, जहाँ छोटिया मोटिया गड्डिया मोटरसाइकिल थले थले रह जाए, बाकी जिन्हें जाना उत्ते जा, सब तो समस्या है वड्डी है जी, बहुत भीड़ होती है। हाँ जी सर, ट्रैफिक बारे की कहना चाहोगे तुसी जी? ट्रैफिक बारे बड़ी तकड़ी समस्या जी। अच्छा जी, जिहड़ी अज तक मुश्किल हल नहीं हुई, MLA साहब ने विश्वास दवाया कि नहीं अं बाईपास कढ़ रहे हैं, जल्दी तो जल्दी अं तुहाडा जिहड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करांगे। मेन यह आ कि जदों खड़ुके तो वड्डियां गड्डियां आण के खलो जांदियां, जां लोकी कारां ला के आप समान शॉपिंग कर चल जांदे आ, तो बड़ी प्रॉब्लम आउंदी, इत्थे छुट्टी बच्चियां नूं हुंदी आ, इत्थे लोकी एक दूजे नाल लड़न पैंदे आ, अगले गालों गाली कढ़ दिया, इतने जी पुलिस भी वह भी प्रशासन जरा सुता पाया वह भी इस गल नहीं आता। आ वेख लो परले पासे घुमा के देखो की बन दिया तुहाडे सामने आ कि की इतने जंडियाले की हालत आ, ना इतने कोई पुछ रहा तो ना ही दस रहा, तो लोगों को समस्या है वो आ रही आ, गड्डिया ला के साइड के उत्ते सड़क के उत्ते ला के तो आप चल जाते, लोगों की बड़ी मुश्किल हो जाता जो बच्चे क्यों इतने अठ अठ नौ स्कूल आ जो छुट्टी होंगी उदो बड़ी समस्या हो जाती है, इतने लंघन वास्ते रास्ता नहीं जी होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आदि, बहुत ज़्यादा इतने लोगों को सिर दर्दी है ट्रैफिक की। यह बाईपास मेन जरा इन लोगों की मंग ही कि ना लेते भी बाईपास निकल जाए जी। जंडियाले जी ट्रैफिक की समस्या उस तो मैं बड़ी चंगी तरह वाकफ हाँ और बड़ी वाजब और बड़ी जैनुअन समस्या उत्थे, अक्सर जो उतो लंघता मैं देखता भी जो रश आवर्स होंगे रश आवर्स तो बिना भी जो ट्रैफिक का जाम है बहुत लंबा लंबा समा उ जोड़ा वो ट्रैफिक के जो वाहन फसे होंगे ने। इस मुद्दे के प्रति मैं पूरी गंभीरता के नाल जोड़ा वो विचार करन तो बाद अपने पार्टी अंदर भी और प्रशासन के नाल भी इस मुद्दे मैं CM साहब तक भी टेकअप किया। 4.5 करोड़ रुपए का जोड़ा प्रोजेक्ट है बाईपास का जोड़ा असी बनाया है वो भी असी आने वाले दिनों तक जी है मुख्यमंत्री पास असी मंग रखनी है, मुख्यमंत्री साहब को असी वो 4.5 करोड़ रुपया जोड़ा बाईपास वास्ते ट्रैफिक की समस्या के हल वास्ते असी उन्होंने बेनती करनी है और सानू आस नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री साहब साड़ी इस मंग नूं वो पूरा करनगे और सानू ये पैसे जोड़े आ दे के बाईपास का जोड़ा है वो बनाने वास्ते साडा सहयोग करनगे। जिथों तक इहदी ट्रैफिक की मौजूदा समस्या का हल है, मैं थोड़े दिन पहला डिप्टी कमिश्नर अमृतसर साहब उन्होंने नाल मैं गल की सी, उन्होंने मैं इस समस्या बारे जाणू करवाया सीगा, जिहड़े स्कूल्स ने इत्थे 10-12 स्कूल ने जिन्हां दी टाइमिंग लगभग सेम है, मैं डिप्टी कमिश्नर अमृतसर साहब नूं इह सुझाव दिता सीगा कि जिहड़े 10-12 स्कूल ने इन्हां दी टाइमिंग सेम होण दा करके इन्हां दी अगर टाइमिंग 10-10, 15-15 मिनट का वक्फा पा दिता जाए, गैप पा दिता जाए ता कि जो एक दम जिहड़ा क्राउड सारा बच्चे छुट्टी हुंदी है वैना सारे स्कूलों चो कट्ठियां होकर एक वड्डा जाम एक वड्डा रश जिहड़ा शहर दे विच लग जांदा, इट्स अ टोटल क्योस एवरीवेयर। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब नूं इह कीता सीगा कि तुसीं एक तो यह करो, दूसरा जिहड़े वड्डे ट्रैफिक ने जिहड़े जिवें ट्रक है या फिर ट्रालियां ने जदों इह शहर च एंटर करदे ने तो यह भी ट्रैफिक जाम करन दे विच अपना जिहड़ा वड्डा रोल अदा करदे आ, असीं इहनां दे पास भी जिहड़े SDM1 उन्होंने ऑर्डर लिखती रूप दे विच जारी करते कि शहर दे विच सवेरे 8 बजे तो पहला और रात को 8 बजे तो बाद इन्हां वड्डे वहीकलों की एंट्री होएगी और सारा दिन जिहड़े वड्डे वहीकल ने इन्हां दी कोई एंट्री नहीं होएगी। सो ट्रैफिक की समस्या के हल वास्ते असी पूरी गंभीरता के नाल असी जिहड़ा यतनशील हाँ और मैनूं आस है कि असी इहदे बारे जल्दी कोई ना कोई सार्थक जिहड़ा हल है वो कढ़न च कामयाब होवांगे। अमृतसर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।